और इसी बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइना बॉर्डर पर फरारी का अटवा था, फिर फायरिंग कर दहलाने का इसका प्लान था। तो ऋतिक बॉक्सर गैंगस्टर जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश भर में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ। चाइना बॉर्डर पर फरारी का अटवा था, जहाँ पर फायरिंग करके दहशत फैलाने का प्लान था, उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर, जिसके खिलाफ प्रदेश भर में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो फायरिंग और रंगदारी के मामलों में वांछित गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश ऋतिक बॉक्सर को पुलिस की स्पेशल टीम ने नेपाल बॉर्डर से दबोचा। आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी गई। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर ने जयपुर के व्यापारियों और अन्य लोगों को फोन कॉल करके और वॉइस मैसेज भेजकर अवैध वसूली के लिए धमकी दी थी। जान से मारने की धमकी देने के साथ ही फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के मामले में ऋतिक बॉक्सर को जवाहर सर्किल थाने में गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से ही बदमाश ऋतिक बॉक्सर फरार चल रहा था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद विश्नोई ने बताया कि पिछले वर्ष 2022 नवंबर और दिसंबर में जयपुर के व्यापारियों को रंगदारी की धमकी के कॉल आए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। जी क्लब पर फायरिंग की घटना भी हुई थी। जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी, जिसके बाद फायरिंग की ये घटना की गई।